मनीष भैया को, जो मनीष भैया आते हैं तो सच को दिखाते हैं, पदाधिकारी अगर गलती करते हैं उसको दिखाते हैं। प्रशासन के पास नहीं गया? प्रशासन के पास देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे 17/11/2023 को उनको हम लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है। हम लोगों की मांग था कि जो हमारा जो रास्ता है उसको खुलवा दिया जाए, गरीब बस्ती है, आने जाने का वही रास्ता, हजारे एकड़ की खेती होती है, कुछ 100% उम्मीद है ये कहीं दब करे जाते हैं, कई तर जाते हैं, कई जहाँ जाते हैं जहाँ टहलका मचा देते हैं। इंसाफ मिलता है तो इन्हीं से मिलता है, जो सरकार भी इन पर भीड़ा हुआ है। सरकार के क्या चोराए है, जहाँ चोर क्राइमर पकड़ाता है तो वह डर जाता है, सड़ा पर आर आदमी को पकड़ के कुर्ती जब् ती कर देते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। ये न्याय न्याय कहाँ का है? कार्रवाई नहीं की। एक महीने हम लोगों ने एक थाना अध्यक्ष को भी हम लोगों ने लेटर दिया ताकि उस पर भी मतलब कि कार्रवाई करते हुए उस गेट को नहीं लगाया जाए, लेकिन उस पर भी देखिए हमारे पास लेटर है, थाना अध्यक्ष को दिया गया, लेकिन थाना अध्यक्ष भी मिली भगत है, उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। किस तरह क्यों आए थे यहाँ पे आप? देखिए हम लोग आमोदी पंचायत से आए हुए हैं। हाँ। मेरा नाम मोहम्मद इंजार खान हुआ, मैं वहाँ के वार्ड नंबर 2 से वार्ड सदस्य हूँ, जो कि आप ये नक्शे में देख सकते हैं। मतलब जमीनी मामला है, टोटल बात ये है। ये देखिए, ये बेलवा पोखरा है, यही जो है शमशान घाट है। इसको उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। मतलब आपके पंचायत का जो शमशान घाट है, आपके गांव का जो शमशान घाट है, उस पे कब्जा कर लिया गया। कब्जा कर लिया। जैसे ही मनीष कश्यप महनवा डुमरी पहुंचते हैं तो लोग आज जमावड़ा लग जाता है, लोग मिलने आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी समस्या को भी रखने आ जाते हैं। उम्मीद है मनीष कश्यप से इतनी कि वो जब जेल से रिहा होते हैं, अपने घर आते हैं, तो लोग शिकायत लेके आते हैं। किस तरह क्यों आए थे यहाँ पे आप? देखिए हम लोग आमोदी पंचायत से आए हुए हैं। हाँ। मेरा नाम मोहम्मद इंजार खान हुआ, मैं वहाँ के वार्ड नंबर 2 से वार्ड सदस्य हूँ। हम लोग विगत 12/12/12 को हम लोग एक धरना प्रदर्शन किए थे, धरना पे बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा वहाँ पे 5 बीघा का बेलवा पोखरा, जो आम गर मजरुआ पोखरा है, वहाँ पे उसके उत्तर में शमशान घाट, जो दलित 4 दलित बस्ती हैं और 4 जाति का लोग का वहाँ पे दाह संस्कार किया जाता है, जो शमशान घाट जिसको हम लोग बोलते हैं, शमशान घाट है, उसको रिपू राज राइस मिल के मालिक द्वारा बीच में अतिक्रमण कर लिया गया है। एक नक्शा का भी रोड है, उसको भी अतिक्रमण कर लिया गया है, जो कि आप ये नक्शे में देख सकते हैं। मतलब जमीनी मामला है, टोटल बात ये है। ये देखिए, ये बेलवा पोखरा है, यही जो है शमशान घाट है। इसको उनके द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया। मतलब आपके पंचायत का जो शमशान घाट है, आपके गांव का जो शमशान घाट है, उस पे कब्जा कर लिया गया। कब्जा कर लिया बेलवा पोखरा और शमशान। आप मनीष कश्यप से क्यों मिलने आए थे? एक बहुत बड़ी उम्मीद के किरण, जैसे कि हम लोग समझते हैं मनीष भैया को, जो मनीष भैया आते हैं तो सच को दिखाते हैं, पदाधिकारी अगर गलती करते हैं उसको दिखाते हैं। प्रशासन के पास नहीं गया? प्रशासन के पास देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे 17/11/2023 को उनको हम लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई है। हम लोगों की मांग था कि जो हमारा जो रास्ता है उसको खुलवा दिया जाए, गरीब बस्ती है, आने जाने का वही रास्ता, हजारे एकड़ की खेती होती है, कुछ मकान भी है, लेकिन उनका कहना है कि जो नहीं, यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत मतलब कि पैसे वाले लोग हैं, तो पैसे वाले लोग के पास ये लोग नहीं जा करके कुछ बोलेंगे, बस जनता को इसी तरह सताएंगे लोग। मतलब प्रशासन पैसे वाले लोग के पास नहीं जाती, कहने का मतलब ये है? प्रशासन बिक चुकी है, वहाँ का जो CEO है बिक चुके हैं। वहाँ के CEO का नाम क्या है? मणिभूषण कुमार। अच्छा, आप इतने खुलेआम कह रहे कि वहाँ के CEO बिक चुके हैं, आप ये कैसे, इतना दावा के साथ आप कैसे कह सकते हैं? दावा के साथ कह रहे हैं क्योंकि उनसे हम लोगों ने मतलब कि कई बार आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और झूठा आश्वासन दिया जाता है कि हाँ आपका काम हो जाएगा, रास्ता खुल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते वो अपना का किए हैं, बाउंड्री वॉल करा करके वहाँ पे गेट लगवा दिया गया, लेकिन अभी तो कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक महीने हम लोगों ने एक थाना अध्यक्ष को भी हम लोगों ने लेटर दिया ताकि उस पर भी मतलब कि कार्रवाई करते हुए उस गेट को नहीं लगाया जाए, लेकिन उस पर भी देखिए हमारे पास लेटर है, थाना अध्यक्ष को दिया गया, लेकिन थाना अध्यक्ष भी मिली भगत है, उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। तो क्या लगता है, आप मनीष कश्यप से मिले हैं तो आपको मदद मिलेगा, क्या कार्रवाई होगी? जी उनसे बहुत 100% उम्मीद है, ये कहीं दब करे जाते हैं, कहीं तर जाते हैं, कहीं जहाँ जाते हैं जहाँ टहलका मचा देते हैं। इंसाफ मिलता है तो इन्हीं से मिलता है, जो सरकार भी इन पर भीड़ा हुआ है। सरकार के क्या चोराए है, जहाँ चोर क्राइमर पकड़ाता है तो वह डर जाता है, सड़ा पर आर आदमी को पकड़ के कुर्ती जब्ती कर देते हैं, पकड़ के ले जाते हैं। ये न्याय न्याय कहाँ का है? कैसे भैया वो लोग क्या किए थे? इज्जत दिए थे कि वो तो सब सरकार भटियारा है कि जो दबंगता दिखाता है उसको मरवा दो, जेल भजवा दो, कुर्ती जब्त कर दो, वही नीति रिवाज में सरकार है। बिहार सरकार भी भटियारा है, ये तेजस्वी यादव है,
इसके बाद में चाना बेचेंगे, चाना चाना और भटिया है। नीतीश और दोनों मिल करके ये बहुत बिहार का जनता के साथ अत्याचार कर रहा है। ये कसम है, विकास वाली सरकार नहीं है बिहार में। कहा तो पहले शुरू में बहु उसी पर छलपल कर रहा है। कांग्रेस के रिजिम में विकास नीतीश जी की है, वही देखा करके छलपल कर करके अपने नाम निकाल चला रहे। कहा विकास हो रहा है? शमशान घाट पर इनके बाप दादा जितना भी लोग थे मतलब कि वहीं पे फूके गए हैं, सब कुछ वायदा संस्कार वो लोग करते थे हजारों साल पहले। शमशान घाट भी है, रास्ता भी है, पूर्वजों से लोग जा रहा है वहाँ पे रास्ता। मतलब अब खेत वक्त तक कब्जा नहीं करके लोग शमशान घाट पे भी कब्जा कर ले रहे हैं। शमशान घाट जो 200 साल पहले से जो पूर्वजों ने निजी रास्ता जो दिया हुआ था, उस रास्ते को रास्ता है रेलवे तक, रेलवे तक NH 28 से लेकर के रेलवे उस बार तक भी। प्रशासन के पास गए, CO के पास गए और अब मनीष कश्यप के पास जी, CO साहब के पास गए थे। CO साहब आए थे और अंदर अंदर जाकर मेल के मालिक से बात करके चले गए, बोले शमशान घाट नहीं है, भीड़ का है, रिपोर्ट बना के भी नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा वो वीडियो सीओ साहब है जो भीड़ का है। शमशान घाट को कल आकर और विधायक जी हमारे शशिभूषण जी देखे हैं और पत्रकार लोग आए तो सब लोग देखे, फोटो वोटो लेके गए हैं। और यही तो बात हम लोग कहते हैं, सबसे कितनी उम्मीद? बहुत उम्मीद है, बहुत हम लोग आशा है। जी वहाँ पे आप लोग जाइएगा देखिएगा ना, तो पहले लोग एक बेलवा पोखरा जो हमने जिक्र किया था उसमें लोग पानी पीते थे, नहाते थे, दुलाते थे। आज लेकिन इतनी स्थिति उसकी खराब हो गई है कि वहाँ पे अगर जानवर को भी पानी पिलाया जाए ना तो वो मर सकता है। इतना ना चहरीले मिल का गंदा पानी उसमें डाल करके आज जो है ना किसी की मृत्यु होती है ना, कुछ दिन पहले मृत्यु हुई है वहाँ पे। दाह संस्कार के लिए लोग गए तो पानी से मतलब कि नहलाता धुलाता है लोग, लेकिन वो भी नहीं कर पाए लोग, दूसरी जगह से पानी ला करके करना पड़ा। मनीष कश्यप पे लोगों को इतना भरोसा है कि लोग मनीष कश्यप के घर पहुंच रहे हैं अपना फरियाद लेके। अब बिहार में जमीन का जो मामला है तुल पकड़ रहा है, अब शमशान घाट पे लोग कब्जा कर रहे हैं। इनका मामला है कि इनके गांव में जो शमशान घाट है उस पे कब्जा कर लिया गया है। ये लोग प्रशासन के पास जाते हैं, CO के पास जाते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अंत में ये लोग मनीष कश्यप के पास आते हैं और इनका कहना है कि हमें 100 नहीं बल्कि 101% विश्वास है कि मनीष कश्यप हमें इंसाफ दिलाएंगे, हमारा जो हक में है उसे दिलाएंगे। आई खबरों के लिए बने रहे, जय हिंद।